अभी आपको बताएं, मुल्क भर में लॉकडाउन के बावजूद शहरी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सैकड़ों मुकदमा दर्ज किए गए। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पेट्रोल पंप, गोश्त, सब्जी, किराना की दुकानें, बेकरी और मेडिकल स्टोर्स खुले रहे। लाहौर में कोरोना से बचाव के लिए महकमा सेहत, पाक फौज और दीगर सरकारी इदारों के साथ मिलकर महकमा बल्दियात पंजाब के हंगामी इकदाम। सूबे भर में 1563 अवामी मकामात पर हाथ धोने के लिए सहूलत फराहम कर दी। बस और रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों, मसरूफ मार्केटों और सड़कों समेत 29502 अवामी मकामात की क्लोरीन मिले पानी से धुलाई स्प्रे किया गया है। समाजी फासले की पॉलिसी के तहत दुकानों और बैंकों समेत अवामी मकामात पर दायरे और निशान लगा दिए गए। उलमा के तआवुन से 26889 से कारपेट हटा दिए गए। सफाई अमूर पर तैनात अमले के लिए 5297 हिफाजती किट्स मौजूद हैं। सिंध भर की मरकजी शहरों समेत मुलहका सड़कों पर भी पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात रहे। तजारती और कारोबारी मराकज, मेट्रो बस सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। दाखिले और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात हैं। पाकिस्तान में तफरीही मकामात में अवामी नकलो हरकत में 70% तक कमी देखने में आई। पुलिस ने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की छूट के बाद बाहर आने वाले शहरियों से सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया। एम्बुलेंस, गुड्स ट्रांसपोर्ट, मीडिया, डॉक्टर्स और पुलिस के अलावा गैर जरूरी सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लॉकडाउन में छोटी बड़ी मार्केटें, तजारती मराकज बंद होने से शहर में जराइम की शरह में भी कमी आई है।